हजरतगंज चौराहे से लेकर केडी सिंह बाबू स्टेडियम तक फैला हजरतगंज एक जमाने में पूरी दुनिया में विख्यात रहा है और यहाँ की गंजिंग बड़े बड़े लोगों ने की है। सर आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, ढाई करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में श्री गोरखनाथ आशीर्वाद अगरबत्ती का किया लोकार्पण। कहा, मंदिरों में चढ़ाए गए फूलों से अगरबत्ती बनाने के इस प्रयास से वेस्ट को वेल्थ में बदलने की परिकल्पना हो रही है साकार। बिहार चुनाव में जीत के बाद एनडीए की आज अहम बैठक में नीतीश कुमार को विधायक दल का चुना गया नेता। नीतीश कुमार सोमवार को मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ। देश में कोरोना महामारी से पिछले 24 घंटों में 42,000 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। रिकवरी दर बढ़कर हुई 93.05%। कोरोना से मृत्यु दर घटकर हुई 1.47%। और अयोध्या और गोंडा सहित प्रदेश भर में दीपावली के दूसरे दिन आज अन्नकूट महोत्सव की धूम। अयोध्या के मंदिरों में आराध्य को 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर लगाया गया भोग। नमस्कार, मैं अशोक यादव और अब समाचार विस्तार से। बिहार चुनाव में जीत के बाद एनडीए की आज अहम बैठक हुई जिसमें नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार विधानसभा चुनाव के भाजपा प्रभारी रहे देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनके नाम की घोषणा की। बैठक के बाद जनता दल यू प्रमुख नीतीश कुमार ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। नीतीश कुमार कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कई मंत्रियों की शपथ लेने की संभावना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में श्री गोरखनाथ आशीर्वाद अगरबत्ती का लोकार्पण किया। इसे केंद्रीय औषधि और सगंध पौधा संस्थान लखनऊ के तकनीकी सहयोग से महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र चैक जंगल कौड़िया द्वारा गोरखनाथ मंदिर में चढ़ाए गए फूलों से निर्मित किया गया है। इस अवसर पर हिंदू सेवा आश्रम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मंदिर में चढ़ाए गए फूलों से अगरबत्ती बनाने के इस प्रयास से वेस्ट को वेल्थ में बदलने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना साकार हो रही है। इसे आस्था को सम्मान मिल रहा है। ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि भारतीय मनीषा में कहा गया है कि इस धरती पर कुछ भी अयोग्य नहीं है, फर्क सिर्फ दृष्टि का है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। निष्प्रयोज्य फूलों से अगरबत्ती और धूपबत्ती बनाने का ये कार्य सकारात्मक दृष्टिकोण से ही संभव हुआ है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक मंदिरों में चढ़ाए गए फूल फेंक दिए जाते थे या नदियों में प्रवाहित कर दिए जाते थे। इससे आस्था भी आहत होती थी और कचरे का संकट भी हो रहा था। महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र और सीमेप ने इन फूलों को महिलाओं की आय का जरिया बना दिया है। उन्होंने कहा कि इस कार्य में समूहों के माध्यम से बड़ी संख्या में महिलाओं को जोड़ा जाएगा। इससे महिलाएं घर का कार्य करते हुए अच्छी आय भी अर्जित कर सकेंगी। इससे हमारी मातृशक्ति के स्वावलंबन का मार्ग भी प्रशस्त होगा। एक तो हर एक चीज जो वेस्ट में जा रही थी उसका उपयोग भी होगा, दूसरा आस्था का सम्मान भी होगा, तीसरा इस पर ढेर सारी महिला स्वयंसेवी समूह से जुड़ी भी महिलाओं को काम भी मिलेगा। वे प्रतिदिन अपने घर के दैनिक कार्य को करते हुए इसके माध्यम से एक अच्छी आय अर्जित कर सकती हैं। एक अभिनंदनीय कार्य है और मुझे लगता है कि मातृशक्ति के स्वावलंबन के लिए उठाया गया एक बेहतरीन कदम भी है। मैंने जो अगरबत्ती और धूप बनी है मैंने देखा है, बहुत सुगंधित है। इसके अलावा आप देखेंगे शिवालयों में हम लोग बेल पल्लव चलाते हैं, एक तरफ भगवान शिव का अभिषेक करते हैं उससे और बाद में एक समय के बाद उसको फेंक देते हैं। बेल पल्लव से भी अगरबत्ती और धूप बन सकती है। ये सब काम करना चाहते हैं, पहले बात कि योगी आदित्यनाथ बाबा जी को हमारा हम सबका धन्यवाद जो लॉकडाउन के समय में हम लोगों को ये रोजगार दे रहे हैं और हमारे घर में कोई काम नहीं है और हम लोग करना चाहते हैं, आत्मनिर्भर होकर काम करना चाहते हैं। केवीके से हम लोग ट्रेनिंग ले करके योगी आदित्यनाथ के थ्रू हम लोगों को ट्रेनिंग मिला है वो केवीके में, इसलिए हम श्री योगी आदित्यनाथ को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और हम अपने यहाँ पर कम से कम 300 महिलाओं को ट्रेनिंग दिए हैं अगरबत्ती का, जब से यहाँ से ट्रेनिंग ले करके गए हैं और सारे लोग मेरे यहाँ काम कर रही हैं, इससे सारे लोग स्वलंबन बन रही हैं। इससे हम योगी आदित्यनाथ के और केवीके वाले को धन्यवाद देते हैं। मुख्यमंत्री जी हमको गेहूँ का वो बीज दिए हैं, ऐसे मुख्यमंत्री जी को हमको धन्यवाद मिला। कितना फायदा होगा इससे? इससे फायदा लगभग होगा हमको 1 एकड़ में 22 क्विंटल गेहूँ। कोरोना के खिलाफ सरकार व्यवस्थित रणनीति के तहत काम कर रही है जिसके नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से बीते 24 घंटों में 42,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। इसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 93.05% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.47% रह गई है। बरेली में आज अन्नकूट के अवसर पर मंदिरों में अन्नकूट पूजा का आयोजन किया गया। भगवान के लिए 56 भोग तैयार किए गए। अन्नकूट पूजन में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने शिरकत की। उन्होंने टिबरीनाथ मंदिर और कृष्ण लीला स्थल में पूजन किया। इस अवसर पर श्री गंगवार ने कहा कि इस दीपावली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का पूरी तरह से असर नजर आया। देशवासियों ने वोकल फॉर लोकल को अपनाते हुए दीपावली मनाई है। आज का दिन का विशेष महत्व है। बहुत से धार्मिक स्थानों पर अन्नकूट के कार्यक्रम होते हैं, पर आज के संदर्भ में कोरोना की बात को देखकर काफ़ी सीमित और एक पूरी सक्रियता के साथ इस बात को ध्यान में रखकर कि कोई असुविधा ना हो अन्नकूट के कार्यक्रम हो रहे हैं, आज यहाँ पर हम उपस्थित हैं। सभी लोग इस बात से परिचित हैं कि इस समय जो वो करना है उनकी खुद की सुरक्षा का काम है, जिस सब अपनी सुरक्षा को ध्यान में रख रहे हैं। आपने देखा होगा कल पटाखों का न्यूनतम प्रयोग हुआ और मैंने स्वयं महसूस करा और लोगों ने काफ़ी हद तक जो सरकार के दिशा निर्देश थे उनका पालन किया। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी की अपील को हर आम व्यक्ति आराम से सुनता है, समझता है, देखता है और उस पर अमल भी करता है। पहली बार जिस ढंग से प्रधानमंत्री जी ने सुझाव दिया था कि हम लोकल के प्रति ज़्यादा सक्रिय रहे, उसके प्रति अपने वोकल स्वरूप दिखाएं, तो लोगों ने उसको पसंद किया और उसको सही दिशा में ले जाने का काम किया। अयोध्या में दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट महोत्सव की धूम है। दिवाली के दूसरे दिन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन ये अन्नकूट महोत्सव अयोध्या के मंदिरों में धूमधाम से मनाकर आराध्य को 56 प्रकार के व्यंजन का भोग लगाया जाता है।
संपूर्ण कार्यक्रम में कोविड 19 के दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम जब 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या पहुंचे तो सबसे पहले अयोध्या वासियों ने खुशी में घर घर दिए जलाकर दीपावली मनाई और दूसरे दिन अपने आराध्य को 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर भोग लगाया। मान्यता है कि भगवान श्री राम 14 वर्ष वनवास में रहे और वहां पर कंदमूल फल खाकर 14 वर्ष का जीवन व्यतीत किया। अयोध्या पहुंचने पर अयोध्या वासियों ने अपने आराध्य को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाकर उनकी पूजा अर्चना की थी। तब से आज तक दीपावली के दूसरे दिन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा पर भगवान श्री राम के सम्मुख प्रतीकात्मक रूप से 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर चढ़ाए जाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम 14 वर्ष की वन यात्रा पूरी करके श्री धाम अयोध्या वापस हुए, उसके उपलक्ष्य में दीपोत्सव मनाया गया और उसके दीपोत्सव के अगले दिन अन्नकूट उत्सव, भगवान को 56 प्रकार का व्यंजन बना करके भोग लगाया गया। ये मान्यता रही कि वन यात्रा में थे, ऐसे तो संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करते हैं, उनको कोई क्या खिलाएगा, लेकिन एक भक्तों की भावना के अनुसार एक उपासना के क्रम में भगवान को भोग लगाया गया। ठाकुर जी का आज 56 भोग का दिव्य प्रसाद प्राप्त होता है। हमारे यहाँ एक उक्ति है, यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रीतम को देखत ही मनमोद बढ़ावत। यह ठाकुर जी का दिव्य प्रसाद पाने के बाद भक्तों का सर्वथा कल्याण ही होता है, इस भावना से सभी भक्त लोग आते हैं और प्रेम पूर्वक प्रसाद पाते हैं। यहाँ पे अन्नकूट होता है, हर साल होता है, हम लोग आते हैं यहाँ, 56 तरीके का भोग लगता है, वही हम लोग देखने आते हैं। यहाँ पे डेकोरेशन बहुत अच्छा होता है हनुमान भक्त का, तो हम लोग हर साल आते हैं यहाँ पे। हम अयोध्या आए हुए हैं जहाँ दीपावली के दूसरे दिन जन्म घंट मनाया जाता है। यहाँ पे 56 भोग बनते हैं जहाँ पे भगवान के सामने प्रस्तुत की जाते हैं और भगवान के प्रसाद को भक्तों में वितरण किया जाता है, जो भक्तों को लाभ होता है। और यहाँ पे आने से भक्तों को दर्शन भी मिलते हैं और पुण्य भी कमाते हैं। गोंडा में छपिया स्थित स्वामीनारायण मंदिर में अन्नकूट महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। भगवान घनश्याम दास की जन्मस्थली छपिया में स्वामीनारायण का भव्य मंदिर स्थापित है। देश ही नहीं पूरे विश्व में दर्जनों मंदिर हैं जिनके अनुयायी प्रत्येक वर्ष गोंडा आकर दर्शन करते हैं। मंदिर के महंत देवप्रसाद दास ने बताया कि भगवान घनश्याम दास जी का यहीं जन्म हुआ। 11 वर्षों तक यहाँ रहने के बाद पैदल यात्रा पर निकल पड़े और गुजरात के अहमदाबाद में गद्दी बनाकर रहने लगे। उन्होंने बताया कि दर्जनों देशों में भगवान स्वामीनारायण के मंदिर हैं। भुज से आए भवन पटेल और गोंडा के रामकिशोर तिवारी ने बताया कि मंदिर में लोगों की आस्था है, लोग जो मन्नतें मांगते हैं वो पूरी होती हैं। ये स्वामीनारायण भगवान की जन्मभूमि है। स्वामीनारायण भगवान नारायण का स्वरूप है, वो स्वामीनारायण भगवान यहाँ जन्म लिया है। तो यहाँ स्थली पर दिवाली मनाया जाता है और कार्तिक शुद्ध पूर्णमासी को बड़ा मेला लगता है यहाँ, और उसकी परिक्रमा भी होती है। लेकिन हर साल अभी अब की कोई परवानगी मिला नहीं है, अभी तक तो पता नहीं है, लेकिन जो परवानगी मिलेगी तो परिक्रमा भी होगी। तो यहाँ से बस्ती गोरखपुर गोंडा लखनऊ सबसे बहुत लोग भक्त लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए, बहुत आस्था है सबकी, तो बहुत आते रहते हैं। घनश्याम महाराज भगवान श्री कृष्ण के दूसरे अवतार हैं और यहाँ से 11-12 वर्ष की उम्र में चले गए थे और गुजरात में ही इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र बनाया, कर्म भूमि बनाया। और इनके जो वंशज थे पीढ़ी के भाई के लड़के थे, उनको वहाँ ले गए और दो गद्दी स्थापित किया, नरनारायण देव लक्ष्मी नारायण देव, वो दोनों गद्दियाँ चल रही हैं। और उनके जो बड़ा लड़का होता है वो आचार्य होता है संप्रदाय का, छोटे लड़के को गुजारा मिलता है। स्वामीनारायण भगवान के पूरे विश्व में मंदिर हैं और जो लंदन का मंदिर है वो गिनीज बुक में दर्ज हुआ है। दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर या वहाँ बड़ताल का मंदिर, अहमदाबाद का मंदिर, नारायण देव का मंदिर, इनके तमाम भक्त लोग हजारों की संख्या में यहाँ दिन प्रतिदिन आते हैं और दर्शन का लाभ लेते हैं। मथुरा में ब्रज मंडल के प्रमुख तीर्थ स्थल गोवर्धन में गोवर्धन पूजा की धूम है। ब्रज में गोवर्धन पूजा का अपना एक अलग ही महत्व है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करते हुए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था, तभी से ब्रज में गोवर्धन पूजा बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। आज गोवर्धन पूजा में विदेशी कृष्ण भक्तों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। श्रद्धालुओं ने गिरिराज महाराज का अभिषेक किया। हर तरफ गोवर्धन पूजा और अन्नकूट की धूम है। घरों और मंदिरों में गोवर्धन महाराज की पूजा विधि विधान से की गई। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और द्वारिकाधीश मंदिर
और वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर सहित अन्य मंदिरों में भी ये आयोजन हुए। जगह जगह आयोजनों में श्रद्धा का सैलाब उमड़ता रहा। भारतीय संस्कृति में मनाए जाने वाला प्रत्येक पर्व वैज्ञानिकता के साथ में और मानव जीवन को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए है, और ये गोवर्धन महोत्सव का तात्पर्य यही है, क्योंकि इसमें हम विभिन्न प्रकार के पदार्थों को पका करके ठाकुर जी को भोग लगाते हैं गोवर्धन को। और इसमें आपको ध्यान रहना चाहिए कि हम जो ठाकुर जी को बनाते हैं वो गोबर के बनाते हैं, तो इसलिए अगर हम गोवर्धन की संदेश को लें तो इसमें पेड़ों की, प्रकृति की, जमुना जी की, और साथ साथ में जो गोबर है उसके द्वारा जैविक कृषि की भी हमें प्रेरणा मिलती है, इसलिए हम अपनी बालियों को भी लाकर के इसमें चढ़ाते हैं। तो गोवर्धन के परम पावन अवसरों पर विभिन्न प्रकार के मिष्ठानों को, विभिन्न प्रकार के पदार्थों को बना करके ठाकुर जी को लगाते हैं। ये भारतीय संस्कृति है जो हमें कभी भी अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की ओर हमें प्रवृत्त करती है। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये विराम। माँ से अच्छा कौन जाने माँ के मन के टुकड़े को, कब चाहे प्यार कब चाहे दुलार। माँ से अच्छा और कोई नहीं जानता कि बच्चे के पैदा होने के एक घंटे के अंदर माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध ही पिलाना चाहिए। यही कुदरती शक्ति है जो बच्चे को हर बीमारी से लड़ने की शक्ति देती है। सब जानती है ना। एक सर्किट हाउस। नोवल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। लेकिन 25 लाख नवजात शिशुओं की मृत्यु विश्व में हर वर्ष हो जाती है। हर शिशु की रक्षा के लिए हम विश्व की सर्वोत्तम तकनीकों को प्रदेश में लागू कर रहे हैं। SNC KMC लाउंज, कंगारू मदर केयर, उत्तर प्रदेश, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान की ओर बढ़ते कदम। अनमोल जीवन की शुरुआत नवजात शिशु की देखभाल के साथ। आइए मिलकर सुनहरे भविष्य की नींव रखें। प्रदेश के 14 जिला संयुक्त चिकित्सालयों में मरीजों को शीघ्र ही डायलिसिस की सुविधा मिलेगी। औरैया, ललितपुर, महोबा, मैनपुरी, चंदौली, चित्रकूट, संत कबीर नगर, कासगंज, महाराजगंज, कन्नौज, पीलीभीत, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और फतेहपुर के अस्पतालों में ये सुविधा निःशुल्क दी जाएगी। इन जिला अस्पतालों में करीब 8 करोड़ रुपये की लागत से हीमोडायलिसिस यूनिट का निर्माण किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के मुताबिक डायलिसिस यूनिटों के निर्माण के लिए 4 करोड़ रुपये की पहली किश्त भी जारी कर दी गई है और जल्द ही भवन निर्माण का काम शुरू किया जाएगा। पूरे देश में दीपावली का त्यौहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कोरोना के चलते हालांकि त्यौहार के रंग कुछ अलग रहे, पिछले सालों की तुलना में दीपावली शांतिमय रही। देश के विभिन्न शहरों में दीपों के पर्व दीपावली को लोग पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए दिखाई पड़े। घर, मंदिर, बाजार, प्रतिष्ठान, हर ओर चौतरफा रौनक दिखाई पड़ी। रोशनी से शहर जगमगा रहे थे। घरों में, बाजारों में तरह तरह की लाइटें और रंग बिरंगे झालर लगाई गई। ब्रिज दीपों की रोशनी से सराबोर रहा तो अयोध्या में झांकियां निकाली गईं। श्रीनगर के हनुमान मंदिर में भक्तों का हुजूम दिखाई पड़ा तो जम्मू कश्मीर में गोरखा समुदाय ने भी जोश के साथ दीपोत्सव में हिस्सा लिया। कोलकाता के कालीघाट मंदिर में भी विशेष पूजा अर्चना की गई। दीपावली सबके लिए मंगलमय हो, इसलिए लोगों ने स्वदेशी तरीके से लोकल सामान, मिट्टी के खिलौने, दिए आदि खरीद कर ये पर्व मनाया। कोरोना के चलते दीपावली इस बार कुछ खास रही। उत्सव के दौरान मास्क और 2 गज की दूरी का ध्यान भी रखा गया, साथ ही पर्यावरण का ध्यान रखते हुए प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाई गई। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन, उप राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित कमला हैरिस और वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रकाशोत्सव दीपावली मनाने वालों को बधाई दी है। जो बाइडन और उनकी पत्नी ने प्रकाशोत्सव दीपावली मनाने वाले लाखों हिंदुओं, जैनों, सिखों और बौद्ध धर्म के लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने ट्वीट में कामना की है कि नया साल आशा, प्रसन्नता और समृद्धि लाए। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दीपक जलाते हुए अपनी तस्वीर शेयर की और सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दीं।
बलरामपुर जनपद में दीपावली का पर्व कल उत्साह पूर्वक मनाया गया। जिले के तुलसीपुर नगर में स्थित देवी पाटन शक्ति पीठ पर पूजन अर्चन के साथ 21,000 से अधिक दिए जलाकर दीपोत्सव मनाया गया। इस शक्ति पीठ पर दूर दूर से लोगों द्वारा आकर दीपक जलाए गए। स्थानीय लोगों ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। देश में स्थित 51 शक्ति पीठों में से एक देवी पाटन शक्ति पीठ गुरु गोरक्षनाथ धाम गोरखपुर द्वारा संचालित है। जिले में इस स्थान का विशेष महत्व है, इसीलिए दूर दूर से लोग आकर यहां दीपोत्सव कार्यक्रम में भाग लेते हैं। मंदिर परिसर के आसपास भी लोगों ने रंगोली बनाकर घरों को सजाया था, साथ ही मकानों पर भी रंगीन झालरों और दीपों से आकर्षक सजावट की गई थी। हर साल हम माता जी के स्थान पर जलाने आते हैं और माँ जगत जननी में हम पूरे विश्व के लोगों का आस्था है और हर साल हम लोग यहाँ दीपावली का पर्व मनाने आते हैं और माता जी से यही कामना करते हैं कि हमारा और हमारे देश का कल्याण करें और इस COVID-19 से जल्दी मोक्ष दिलाए कि हम लोग जिस तरह खुशहाल थे उस तरह आज भी रहें। हम लोग आज माँ पाटेश्वरी के दरबार में दीप जला के और ये जो दीप का पर्व उजाला का पर्व है ये हम लोग मना के और विश्व की शांति के लिए हम लोग ये पाटेश्वरी के दरबार में देव दीपावली मनाया गया। माँ पाटन देवी के दरबार में दीपावली पर्व पर दीप पर्व का उत्सव मनाया जा रहा है। जब से प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी है तब से इस उत्सव को हमारे सभी धार्मिक स्थलों पर चाहे वो अयोध्या हो चाहे वो काशी हो चाहे वो मथुरा हो चाहे वृंदावन हो चाहे वो देवी पाटन हो गोरखनाथ मंदिर हो सारे मंदिरों पर इस दीप उत्सव को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हमारे सभी समाज के लोग मना रहे हैं। समाज में भाईचारे का संदेश देते हुए वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने दीपावली के दिन प्रभु श्री राम की आरती उतारी। मुस्लिम महिला फाउंडेशन और विशाल भारत संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में हुए इस कार्यक्रम में विभिन्न वर्गों के लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर मुस्लिम महिला फाउंडेशन की नाजमीन अंसारी ने बताया कि प्रभु श्री राम हम सब के नायक हैं। आज के दिन अयोध्या पहुंचने पर उनका दीपों से स्वागत हुआ था, इसलिए हम लोगों ने भी उनकी आरती उतार कर उनका स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि भगवान राम सभी धर्मों के थे, धार्मिक भेदभाव हमारे समाज को पीछे ले जाते हैं। दीपावली के पावन पर्व पर प्रभु श्री राम की आरती हम सभी हिंदू मुस्लिम बहनों ने मिलकर के उतारी, उनका स्वागत किया, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो भी भारत में जन्मे हैं, जो भी भारत में पैदा हुए उनके पूर्वज प्रभु श्री राम हैं और हम आज इस बात को का नारा देते हैं कि सबके राम और सब में राम, इस बात को मानते हुए प्रभु श्री राम का स्वागत करते हैं, उनकी आरती उतारते हैं। दीपावली पर पटाखों पर प्रतिबंध के बावजूद भी लोगों ने आतिशबाजी की। पटाखों पर प्रतिबंध के सरकारी आदेश के उल्लंघन के बारे में लखनऊ शहर के निवासी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए देखते हैं इस खबर में। सरकार के प्रतिबंध के बावजूद लखनऊ में जो है एक QI ने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। 1442 के एक QI पहुंच चुका है। सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण का क्षेत्र था वो था लखनऊ में राजाजीपुरम और दूसरा महानगर। इससे ज़्यादातर 14 साल से नीचे की कम आयु वाले बच्चे और 50 के ऊपर वाले जो वृद्ध हैं उनको सबसे ज़्यादा परेशानियां हुई हैं सांस लेने में। इससे जो है एक भयानक स्थिति पैदा हो रही है। नहीं, सरकार को गाइडलाइन तो जारी करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने जो भी गाइडलाइन जारी भी किया था इसका हम सभी को मतलब पालन करना चाहिए था। और आतिशबाजी पर रोक के बावजूद भी लोगों ने मतलब जम के आतिशबाजी की, जिसका मतलब दुष्प्रभाव तो पर्यावरण पर पड़ा ही है और कहीं ना कहीं ये हम सभी के लिए घातक है। शनिवार को दिवाली के दिन लोगों ने अपनी खुशियों को मनाने के लिए NGT के और सरकारों के आदेश के बावजूद पटाखे फोड़े, अपनी खुशियों का इजहार किया, जिसकी वजह से रात होते होते और आज रविवार को सुबह होते होते हमारे आसपास का जो वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स वो फिर से गंभीर और खतरनाक स्थिति पर पहुँच गया। इसलिए ऐसे दौर में जब मेरी और आपकी आंखें जल रही हैं, मुझे और आपको घबराहट हो रही है, सिर दर्द हो रहा है, जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनको भी तकलीफ हो रही है,
जो छोटे बच्चे हैं, जो बड़ी उम्र के लोग हैं, उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, अगर आप उनके लिए एक अच्छी साफ हवा देना चाहते हैं, तो फिर से जो आगे आने वाले दिन हैं उन दिनों आप कुछ हरे भरे काम करें। आगे के दिनों में बिल्कुल पटाखे ना फोड़ें, कुछ हरे कामों को करें, अपने आसपास पानी का छिड़काव करें, कोई भी बायोलॉजिकल मटेरियल है या किसी भी प्रकार का पदार्थ है उसको जलाएं नहीं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये एक छोटा सा विराम। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट, इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें, ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए 17 नवंबर से 15 दिसंबर तक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण और मतदाता पंजीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और संशोधन करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक ऑनलाइन वेबसाइट www.voterportal.eci.gov.in विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से मतदाताओं को विभिन्न सेवाएँ प्राप्त हो सकेंगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सतीश अग्रवाल ने बताया कि इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान केंद्रों पर पंजीकरण के लिए 22 और 28 नवंबर तथा 5 दिसंबर और 13 दिसंबर को विशेष अभियान दिवस का आयोजन किया गया है। फिरोजाबाद में मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला सुरक्षा, नारी स्वावलंबन और नारी सम्मान के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रमों में कोविड-19 से बचाव के तरीके और गांव-गांव तक महिलाओं को सुरक्षा और आत्मरक्षा की जानकारी दी गई। जिले में नई स्कीम गांव की गरिमा चलाकर समाज में अच्छा काम करने वाली महिलाओं के नाम से गांवों में मार्ग, खड़ंजे, सीसी रोड बनाकर उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। ब्लॉक स्तर पर महिलाओं को जागरूक किया गया और गांव-गांव तक महिलाओं को जागरूक करके उनकी शक्ति का उन्हें एहसास कराया जा रहा है। कार्यक्रम के बाद SDM बुशरा बानो, DPRO नीरज सिन्हा, ब्लॉक प्रमुख अर्चना दुबे और BDO राकेश बाबू आदि ने ब्लॉक परिसर में पौधे रोपित किए और गुब्बारे उड़ाकर पर्यावरण शुद्ध रखने का संदेश दिया। दिन बढ़ती जा रही है, तो उसके सिलसिले में हमारी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने एक इनिशिएटिव लिया है मिशन शक्ति, जिसके तहत हर जिले, हर शहर, हर गांव में कुछ प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और स्त्रियों को उनकी सुरक्षा से रिलेटेड और उनकी शक्ति से रिलेटेड चीज़ों पे अवगत कराया जा रहा है। हमने भी अपने ब्लॉक में इस तरह का ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और बहुत खुशी है कि बहुत अच्छे से ये सम्पन्न हुआ है और मुझे उम्मीद है कि इस इनिशिएटिव से महिलाओं को सशक्तिकरण भी होगा, साथ में उनकी सुरक्षा और उनका सम्मान में बढ़ोतरी होगी। का जो कार्यक्रम चलाया गया है महिलाओं के लिए, ये महिलाओं को ये बताना है हमको, उनके अंदर की शक्ति को जगाना है कि वो अपने अंदर की शक्ति को जगाएं और आगे गांव-गांव तक बताएं कि महिलाओं की क्या शक्ति है और बच्चों को सुरक्षित किस तरह से करना चाहिए और बच्चियों को ये बताना है कि अपनी स्वयं की सुरक्षा किस तरह से करनी चाहिए और उनका सम्मान, सबसे बड़ा उनका सम्मान होता है कि उनका सम्मान कहाँ कहाँ मतलब कायम रहना चाहिए, तो इस तरीके से बच्चों को ये बताना है कि बेटों से ज़्यादा हमको बच्चियों को ये बताना है कि आप हमेशा आगे रहिए। मिशन शक्ति कार्यक्रम 6 महीने लगातार चलाए जाने के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी के हैं। इसमें पंचायती राज विभाग के द्वारा को सारे विकास खंडों में 4 बजे से 5 बजे का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें नारी सुरक्षा, नारी स्वावलंबन और नारी सम्मान 3 विषयों पर चर्चा की गई और महिलाओं को उनकी शक्ति का एहसास कराया गया। सभी पुरुष और महिला बराबर हैं समाज में, घर से ही भेदभाव ना हो और बच्चों में, खासकर पुरुषों में जो है नैतिक मूल्यों की शिक्षा उन्हें दी जाए, इसके बारे में भी सभी को जानकारी दी गई। गुलमर्ग और सोनमर्ग सहित जम्मू कश्मीर के ऊपरी हिस्सों में बर्फबारी हुई है, जिसके कारण श्रीनगर लेह मार्ग को बंद करना पड़ा। साथ ही शोपियां को पुंछ जिले से जोड़ने वाली मुगल सड़क को भी बंद कर दिया गया है। हालांकि हाईवे पर श्रीनगर से जम्मू की ओर हल्के मोटर वाहनों को अनुमति दी गई है।
श्रीनगर सहित कश्मीर घाटी मैदान इलाकों की अधिकांश इलाकों में बारिश हुई और तापमान सामान्य से 6 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। पहलगाम, कुपवाड़ा, गुलमर्ग, जम्मू, बनिहाल और कटरा में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान लगाया है। अंत में इस बुलेटिन के प्रमुख समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में श्री गोरखनाथ आशीर्वाद अगरबत्ती का किया लोकार्पण। कहा, मंदिरों में चढ़ा गए फूलों से अगरबत्ती बनाने के इस प्रयास से वेस्ट को वेल्थ में बदलने की परिकल्पना हो रही है साकार। बिहार चुनाव में जीत के बाद एनडीए की आज अहम बैठक में नीतीश कुमार को विधायक दल का चुना गया नेता। नीतीश कुमार सोमवार को मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ। देश में कोरोना महामारी से पिछले 24 घंटों में 42,000 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। रिकवरी दर बढ़कर हुई 93.05%। कोरोना से मृत्यु दर घटकर हुई 1.47%। और अयोध्या और गोंडा सहित प्रदेश भर में दीपावली के दूसरे दिन आज अन्नकूट महोत्सव की धूम। अयोध्या के मंदिरों में आराध्य को 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर लगाया गया भोग। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बस थोड़ा सा प्यार हो, बस थोड़ी सी सख्तियाँ है, अगर तो बाग़बान फूलों का है निगहबान। हो फूलों पर तेरी नजर, हो तुझे उनकी खबर। बस थोड़ा सा राबता, बस थोड़ी सी हो फिकर, बस थोड़ा अरे भाभी, ना कोई फोन ना कोई खबर, अचानक खुश रहो। अरे शीतल, शीतल देख तो कौन आया है। अरे भाभी जी, आप, ये तो कमाल हो गया। मैं तो आज सुबह ही आपको याद कर रही थी। और देखो मैं आ गई। खुश रहो, मस्त रहो। भाभी, 4 साल बाद तुमको देख रहा हूँ, मगर तुम तो पहले से भी यंग लग रही हो। तो यंग तो हूँ ना कमलेश। अरे भाभी, फोन कर दिया होता तो हम स्टेशन लेने आ जाते। अरे यार, लखनऊ में एक सेमिनार था, उसमें आना पड़ा। सोचा तुम लोग को सरप्राइज करूंगी, इसलिए फोन नहीं किया।